हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विथ मी। हमेशा हम रेडी शेडी होकर कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन आज मैं बाहर से आने के बाद आपके साथ गेट अनरेडी विथ मी शेयर कर रही हूँ। इस स्टेप के बाद मैं क्या क्या स्किन केयर करती हूँ इस वीडियो में मैं बहुत सब आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ले लिया है गार्नियर का मिसेलर वाटर, और इसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस के मेकअप को रिमूव करूंगी। मैंने इसको कॉटन बल में ले लिया है ऑलरेडी, और अब देखो मैं इसको कैसे रिमूव करती हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस, ये आपके पास मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जब मेकअप करते हो तो उसको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ही स्वाइप में आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये हर मेकअप को रिमूव कर देता है। आपकी लिक्विड लिपस्टिक भी होगी वो भी अच्छे से निकल जाएगी इससे। ये फेस को क्लीन करने के साथ साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, एंड अब देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरा फेस यहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फेस वॉश अप्लाई करूँगी, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोटेक का फ्रूट फेस वॉश। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है गाइस। वैसे ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, या कॉम्बिनेशन चाहे जो भी हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रब करना है 2 मिनट तक, देन इसको वॉश कर लेना है। सो गाइस, मैं यहाँ पे फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्क्रब अप्लाई करूँगी, और इसके लिए भी मैं बायोटिक का ही स्क्रब यूज़ करूँगी। स्प्रे की मदद से मैं अपने पूरे फेस को वेट कर लूँगी, देन मैं स्क्रब लूँगी और अपनी फेस पे अप्लाई करूँगी इसको। बहुत मिनिमम अमाउंट में ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हर्श नहीं है, तो आपको धीरे धीरे जेंटल तरीके से फेस को 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रब करना है, देन फेस को वॉश कर लेना है। फेस को वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे फेस पैक लगाऊंगी, और इसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का ही फेस पैक। और ये बायो फ्रूट फेस पैक है, ये टैन रिमूवल वाला है, तो अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आपको जलन फील हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। टैन रिमूवल वाला है, इस वजह से थोड़ा सा बर्निंग हो सकती है, बट डोंट वरी। एंड मैं इसको कम्प्लीट फेस पर अप्लाई कर लिया है, तो इससे मेरी डेड स्किन या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जितने भी है सारे निकल जाएंगे। तो आपको इसको 20 मिनट तक रखना है एंड देन वॉश कर देना है। सो यहाँ पे 20 मिनट हो चुका है, ये सूख भी चुका है पूरी तरीके से। सो मैं इसको वॉश करके जल्दी से वापस आती हूँ। सो मैंने यहाँ पे फेस को वॉश कर लिया है। नेक्स्ट मैं टोनर अप्लाई करूंगी, और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बायोटेक का बायो क्यूकम्बर टोनर। ये बहुत ही अच्छा टोनर है, एंड ये मुझे बेहद पसंद है। हैंड पे लेके ऐसे थोड़ा सा लगाऊंगी। देन आपको इस तरह से टोनर को पैक करना है फेस पे, काफी हेल्प करता है पोर्स को मिनिमाइज होने में। यहाँ पे मेरी काफी लार्ज पोर्स थे, तो अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, आप देख सकते हो यह। एंड लास्ट मैं करती हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल लेती हूँ, क्योंकि अभी समर चल रहा है ना, तो लोशन वगैरह यूज करोगे तो थोड़ा सा चिपचिपा फील होता है, एंड वैसे ही मेरी ऑयली स्किन है, सो मैं जेल्स प्रेफर करती हूँ। और इसके लिए मैं यूज करती हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। इस थोड़ा सा लेना है लाइक दिस, एंड थोड़ा सा हैंड मेड अप करूंगी इसको। आई एम डन, सॉरी डन नहीं हुआ अभी। लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये भैंसों केयर। खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है। सो गाइस, आप देख सकते हो स्किन पहले से काफी ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोई लग रहा है। अगर ये सब स्टेप का फॉलो करोगे तो फिर आपकी स्किन की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपको पिंपल नहीं होगी। आप जितना भी मेकअप कर लो आपको पिंपल नहीं आएगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आगे आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करोगे वो भी बोल देना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।